गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लेट्स रिवाइज द नेक्स्ट पेज ऑफ पारिक बुक पेज नंबर 29। नाइन काश्यप अनुसार वमन वेग कनिष्ठ शुद्धि दो से तीन वेग मध्यम शुद्धि चार से पांच वेग उत्तम शुद्धि छह से सात वेग विरीक्षण वेग कनिष्ठ शुद्धि में दो वेग एक प्रस्थ दोष निरहरण, मध्यम शुद्धि में तीन वेग दो प्रस्थ दोष निर्हरण उत्तम शुद्धि में चार वेग तीन प्रस्थ दोष निर्हरण सुश्रुतोक्त प्लुष्ट दग्ध को वाग्भट ने चतुर्थ दग्ध नाम दिया है तथा सुश्रुतोक्त इतरथ दग्ध को वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है शुद्ध रक्त का लक्षण चरक नुसार तपनीन्द्रिय गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम सुश्रुत अनुसार इंद्रगोप गोप प्रतिकाश असहतम आलिप सुश्रुत अनुसार प्रलेप शीत और तनु प्रदेह उष्ण या फिर बहल गाढ़ा वातश्लेष्म प्रशमन कारक आलेप मध्यम अविदग्ध शोफ एवं रक्त पित्त में हित कर व्रण पर लगाए गए प्रदेह के कल का ये निरुद्ध आलेप भी संज्ञा है आलेप में स्नेह की मात्रा पित्तज में वन सिक्स भाग वातिक में वन फोर्थ भाग और कफज में वन 8 भाग वागब अनुसार प्रलेप गाढ़ा व वा उष्ण वात कफ नाशक प्रदेह तनु व शीतल पित्तनाशक आलेप की मोटाई सुश्रुत अनुसार आर्द्र माहिश चरमोच्छेद भैंस के गीले चमड़े के समान मोटा चरक अनुसार त्रिभाग अंगुष्ट अंगुष्ट के वन थर्ड भाग जितना मोटा शारंगदर अनुसार लेप की मोटाई दुशग्न लेप वन फोर्थ अंगुल मोटा विशग्न लेप वन थर्ड अंगुल मोटा वर्ण्य लेप आधा अंगुल मोटा अष्ट महागध चरक अनुसार वात व्याधि अपस्मारी गुलमी शोफी तथा उदरी कुष्ठी च मधुमेह चयलक्ष्मी चोनर चरक इंद्रियस्थान सुश्रुतु वातव्याधिमेहश्च कुम भगंधर अश्मरी तथा व उदरम अत्रस्थान चतुष्पादक क्रम चरकनुसार बिषक द्रव्यापस्था रोगी पादचतुष्ट सुश्रुत वैद्यव्याधियोंपुष्टि वेशजम परिचारक बेल बिशक को अंत में माना है बल का अनुमान चरक अनुसार व्यायाम से सुश्रुत अनुसार व्यायाम प्लस स्थिरता से और क्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशय भवित ये संदर्भ आया है चरक में सन्निपातिक उदर रोग में सुश्रुत में अश्मरी प्रकरण में हारित अनुसार जलोदर में फलों में श्रेष्ठ चरक अनुसार द्राक्षा सुश्रुत अनुसार आमल की अनुसार द्राक्षा विलेपी बहुसिकता यवागु विरल द्रवा सुश्रुत अनुसार है और शारंगधर अनुसार यवागु बहुसिकता सिलेपी विरल द्रवा क्लोम अभी क्लोम के विविध व उंडुक गंगाधर ने माना है हृदय चक्रपाणी ने माना है पित्ताशय डलहन ने माना है कंठ नाड़ी व श्वास नाड़ी ऐसे गणनाथ सेन जी ने माना है सर्पांग अभिहत सुश्रुत अनुसार वात का प्रकोप शंका विश चरक अनुसार वात का प्रकोप सर्प विश आश चरक अनुसार मुख में मिट्टी या आटा भरकर करे मुख में वस्त्र भरकर करे नवायस लोह का रोग अधिकार चरक अनुसार पांडु सुश्रुत अनुसार प्रमेह पीड़िका महास्नेह प्रयोग चरक अनुसार सर्पी पित्त हरम रसम शुक्र ओजसाहितम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरावर्णा प्रसादकम, तेल, वात शामक, मगर कफ वर्धक नहीं है, बल वर्धक, त्वच्या, उष्मा व मांस को स्थिर रखने वाला योनि विशोधक, वसा, विद्ध एवं बग्ना में, योनि ब्रह्मश्चमें कर्ण व शिरस्शुल नाशक पुरुषार्थ वृद्धि हेतु व नित्य व्यायाम करने वाले पुरुषों में उपयोगी मज्जा बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदा व मज्जा का वर्धन करने वाला सुश्रुत अनुसार सर्पी विषार्त हीन बुद्धि व वा वात पित्तज विकारों में उपयोगी तेल उव्यसन्न कफमेद एवं कृमिकुष्ठ में उपयोगी वसा तीव्राग्नि वाले एवं वायु हो जिसका प्राण है ऐसे लोगों में उपयोगी मज्जा क्रूरकोष्ठ में एवं वातज विकारों में उपयोगी रोगानुसार स्नेह पाक का प्रयोग चरक अनुसार मृदु मध्य पान व बस्ती में खर पाक सुश्रुत अनुसार मृदु पान मध्यम पाक, पाक नस्य अभ्यंग खर पाक बस्ती व कर्णपूरण में शारंगधर ने मध्य पाक सर्व कर्म हेतु उपयोगी बताया है शेष चरक ही कहा है स्नेह सिद्धि के लक्षण चरक व अनुसार फेन आगम सर्पी सिद्धि फेन शांति तेल सिद्धि सुश्रुत अनुसार फेन आगम तेल सिद्धि फेन शांति सर्पी सिद्धि गर्भ का मासानु मासिक विकास प्रथम मास में चरक अनुसार खेट भूत सत व असत रूप सुश्रुत अनुसार कलल रूप द्वितीय मास चरक अनुसार घन स्वरूप घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसक सुश्रुत अनुसार महाभूतों से पाक घना अर्बुद पेशी स्वरूप तृतीय मास चरक अनुसार सुख दुख की वेदना दौहृद उत्पत्ति सर्वेन्द्रिया एवं सर्व अवयव की उत्पत्ति स्पंदन प्रारंभ हस्त पाद पीड़को का निर्माण, अंग प्रत्यंग विभाग चतुर्थ मास चरक अनुसार गर्भ की स्थिरता बढ़ती है गर्भिणी का शरीर भार बढ़ जाता है सुश्रुत अनुसार गर्भ हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव गर्भिणी की दौहृद संज्ञा अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त पंचम मास चरक अनुसार गर्भ के मांस व रक्त की अधिक वृद्धि गर्भिणी कृष हो जाती है सुश्रुत अनुसार मनः प्रतिबुद्धतरं भवति षष्ठम मास चरक बालक के बल वर्णादि की वृद्धि फलतः गर्भिणी के बल व वर्ण की हानि होती है सुश्रुत अनुसार षष्ठे बुद्धि ही सप्तम मास चरक अनुसार गर्भ सम्पूर्ण भावो से पुष्ट गर्भिणी क्लांततमा सुश्रुत अनुसार सर्वांग विभाग प्रव्यक्तर काश्यप अनुसार त्रिदोष